वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रियता एंड आई मेक वीडियोज ऑन फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल। और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं फिर से अपने बाल काटने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज माई लेंथ और नीचे से ना बाल बिल्कुल डेड हो गए हैं, इफ यू कैन सी। सो आई थॉट कि मैं रिबॉन्डिंग करा लूँ, स्मूथनिंग करा लूँ, बट हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड हेयरफॉल का मेन जो एक ही सोल्यूशन होता है वो होता है हेयर कट। सो आज हम वही करने वाले हैं। सो ये मेरा बहुत सालों से, मतलब मैं अपने घर में जब हेयर कट करती हूँ तो इसी मेथड से करती हूँ और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुकी हूँ अपने यूट्यूब पे चैनल पे। तो मैं तीसरी बार यही वीडियो सेम डालने वाली हूँ दोबारा से हेयर कट करते हुए। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सो आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ द शावर। आपको भी बाल या तो गीले करने हैं या आप अपने शैम्पू के बाद में ये कीजिए, बिकॉज आपके बालों को बिल्कुल गीला होना है ताकि वो एकदम स्ट्रेट रहें और हवा में उड़े नहीं। सेकेंड मेथड, ऑब्वियसली ब्रश योर हेयर स्मूथली, बिल्कुल कोई भी उसमें टैंगल नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। आई डोंट प्रेफर ब्रशिंग माई हेयर व्हेन दे आर यू नो वेट, बट अभी कोई और सोल्यूशन नहीं है। एंड अगर आपको टैंगल्स से बचना है तो हमेशा नीचे से अपने बालों को ब्रश करना शुरू करें, इससे आपके बाल होते हैं ना कम टूटते हैं। सो जल्दी जल्दी मैं अब अपने बाल ब्रश कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि गीले बालों को ब्रश ना कीजिए, क्योंकि हेयरफॉल ज़्यादा होता है तब, आपके बाल तब वीक होते हैं, तो जब ड्राई हो जाते हैं बाल उसके बाद ही करना, बट अभी मेरी मजबूरी है इसलिए मैं कर रही हूँ। एंड लुक एट दैट, और ये तो बहुत, मतलब इट्स जस्ट 1/10 ऑफ द हेयरफॉल दैट आई एम फेसिंग दीज डेज। इससे मतलब बहुत, इससे 10 गुना ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है आजकल मेरा। सो इसीलिए मैं अब छोटे कर रही हूँ अपने बालों को। सो अब हो गए हैं टैंगल फ्री हेयर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक अ पोनीटेल। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पोनीटेल बनाते कहाँ पर हैं। तो आप जितना ज़्यादा पास में अपने फोरहेड के अपनी पोनी बनाएंगे तो आपके जो फ्रंट के बाल हैं वो ज़्यादा कटेंगे और पीछे के कम कटेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके बालों में जो लेयर्स हैं ना वो बहुत पास पास में बनेंगी और बहुत ज़्यादा मतलब गैप नहीं होगा उन लेयर्स में। एंड वैसे ही सेम होगा अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे पोनी बनाते हैं तो आपके जो पीछे के बाल हैं वो ज़्यादा कटेंगे, आगे के बाल कम कटेंगे, तो जो गैप है ना आपके लेयर्स में वो ज़्यादा होगा। तो मैं सेंटर में पोनी बनाने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गैप नहीं चाहिए और मैंने पोनी बना दिया। पोनी बनाने के बाद मैं आपको एक तो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रबर बैंड आपको यूज़ करना है ताकि आपकी पोनी लूज़ ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, क्योंकि बाल फिर टेढ़े मेढ़े कटते हैं। और दूसरी चीज़, आपके टैंगल फ्री बाल होने चाहिए। सो नीचे आपको न्यूज़पेपर या कुछ बिछा लीजिए और क्योंकि उसके ऊपर बाल गिरेंगे। एंड नाउ इट्स द टाइम टू जस्ट कट ऑफ द हेयर। एंड जितने भी आपको बाल काटने हैं आप बस सीधे पहले स्ट्रेट बाल काटिए, फिर अपनी सीजर को एकदम वर्टिकल करके सीधा सीधा अपने बालों की लेंथ के हिसाब से काटिए ताकि वो एकदम ना अजीब से एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं कटते हैं। सो नाउ माई हेयर इज़ कट, नाउ आई एम जस्ट गोना ओपन द पोनी टेल और उसके बाद में देखते हैं कि और क्या कितना काटने की ज़रूरत है बालों को। सो बाल कॉम करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको नीचे की टिप्स नहीं चाहिए तो आप उन्हें कट कर सकते हो। मुझे यूजुअली पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ना मतलब बहुत कम टिप्स रह जाती हैं और फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसीलिए आई यूजुअली कट इट ऑफ ताकि सब बराबर दिखे एंड वॉल्यूम ज़्यादा दिखे। अगर टिप्स बहुत पतली होती हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लगता है। सो जितनी आपको कट करनी है आप उतनी कट कर सकते हैं। और मैं अभी आपको बाल दिखाने वाली हूँ आफ्टर ड्राइंग। सो इग्नोर द फ्रिज बिकॉज फर्स्ट डे जब भी मैं बाल धोती हूँ तो मेरे इतने ही फ्रिजी बाल होते हैं, नो मैटर वॉट सीरम एंड नो मैटर वॉट कंडीशनर आई यूज़। बट वॉल्यूम अच्छा है मेरे बालों में और फ्रिज भी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए ऐसे देखते हैं। बट जस्ट यू फोकस ऑन द लेयर्स। सो मैंने सेंटर में पोनी बनाई थी तो इसीलिए लेयर्स ऐसी आई हैं, आपकी पोनी के अकॉर्डिंग आपकी लेयर्स बनेंगी। एंड आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू कट योर हेयर, मेरे को तो बहुत ईजी मेथड लगता है ये, और बाल भी कट जाते हैं और लेयर्स भी आ जाती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हेयर कट, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।